सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्पराजन्य की सम्मिलित दिव्य चेतना का अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक 1 कैंटो 4 द सीक्रेट नॉलेज 48वें पृष्ठ की 19वीं पंक्ति पर 13वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को हम प्रकट होने पर ठीक ठीक देख सके, जान सके, सीख सके, समझ सके। तदनुरूप साधना के ध्रुवपथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सके, इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, दी साइंस आर नेटिव टू ए लार्जर सेल्फ दैट लाइव्स विद इन अस बाय आवरसेल्व्स अनसीन, only sometimes a holier influence comes, a tide of mightier surgings bears our lives, and a diviner presence moves the soul। पुरु के कुछ भाव को साथ रखकर हम सरल भाव की ओर आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के नश्वर सत्ता स्तरों में हठात, अकस्मात, शाश्वत सत्य किरण अवतरण कर प्रवेश पाकर अंतरात्मा पर सत्तासीन हो जाने से मन में दिव्य ज्ञान, प्राणों में दिव्य ऊर्जा, हृदय में दिव्य प्रेम एवं शरीर कोश कोश में दिव्य सौंदर्य प्रागट्य के सारे संकेत हमारे भीतर अवतरित हुई समष्टिगत विश्वात्मा साक्षात्कार से उपजे, किंतु हमारे भीतर निवसित अंतरात्मा के विस्तृत तर अपने सहज स्वभाव ही तो हैं। हमारी व्यष्टि अंतरात्मा जो इन समस्त प्रगटे देवी दिव्य गुणों से संपन्न होता है, भागवत संकल्प सिद्धि प्रयास हेतु भगवत लीला प्रसंग में धारित असत, अज्ञान, अंधकार एवं अचित आवरण से देश काल सीमाबद्ध जीवन यापन करते हुए सतत मंद विकासोन्मुख ही बना रहता है। इन सब गुणों पर जो सदैव हमारे भीतर विद्यमान रहते हैं, उन पर पड़े आवरणों के कारण इनसे अनजान रहकर, इन गुणों से अनजान रहकर इन्हें अनदेखा ही करते रहते हैं। फिर भी ये सभी देवी दिव्य गुण अंश में तो सदैव हमारे भीतर विद्यमान ही रहते हैं। भागवत संकल्प सिद्धि प्रयास में रत समस्त अभिव्यक्त ब्रह्मांड जिसके हम मानव भी पात्र हैं, वे भागवत निर्धारित प्रक्रिया से संचालित बन जीवन यापन करते जाते हैं। इस संचालित होने वाले विकास क्रम प्रक्रिया के मंद अथवा रुक जाने की संभावना के कारण स्वयं भगवान कभी कभी किसी को, किसी मानव पात्र को चुनते हैं और अपने द्वारा चयनित मानव को बलपूर्वक चुनकर एक शाश्वत प्रकाश किरण प्रवेश कराकर उसकी नश्वरता शासित जीवन में शाश्वतता का पवित्र प्रभाव डाल देते हैं, तब दिखने व कार्य करने में बाहर से वह मानव हम सबके समान ही लगने वाला होता है। वह व्यक्तित्व अवतरित हुई थी शाश्वत किरण की सशक्त लहरों के वेग से 7 स्तरों पर अपना आधिपत्य स्थापित करके उसके जीवन संचालन का सूत्र एवं समस्त भार अब अपने ऊपर अवतरित हुई वह दिव्यता ले लेती है। तब प्रवेशित शाश्वत किरण का तूफानी वेग उसके जीवन को संचालित करके आगे बढ़ाता है। तब उसकी आत्मा में वह शाश्वत किरण अपना निवास चुनकर बैठ जाता तथा अभिव्यक्ति में आए अंतरात्म पुरुष के माध्यम से मानव की 7 स्तरों की बागडोर की रास अब अपने हाथ में लेकर एक देवी दिव्यतर सानिध्य प्रदान करके उसका जीवन संचालित करके आवश्यक भागवत क्रिया इस जगत और जागतिक चेतना में संपन्न करते हुए कुंठित मंद पड़ी विकास प्रक्रिया में नया शौर्य बल विक्रम पराक्रम डालकर भागवत क्रिया संपन्न कराता है, ताकि अभिव्यक्त जगत एवं मानव जाति अपने भीतर छिपे देवी दिव्य गुणों को पहचानते हुए विकसित वर्धित करते हुए एक दिन सबके सब इन दिव्य गुणों की अभिव्यक्ति से समन्वित जीवन यापन कर सके। आज हम इस सारगर्भित विषय को यहीं विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्पराजन्य की सम्मिलित दिव्य चेतना, जिस पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा, सीखा, समझा जाना, अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को, विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं, ताकि जब जब साधना के गुरुपद पर हमें इस ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता हो तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के गुरुपद पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं। सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।